हेलो स्टूडेंट, इसमें जो है प्रोटीन के बारे में पूरा डिटेल है। नोट्स केवल हमने बनाया है। नोट्स जो है यूट्यूब पर डिटेल पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने प्रोटीन का पूरा डिटेल में नोट्स बनाया है। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की संरचना और उसका क्लासिफिकेशन यानी जो वर्गीकरण है उसको डिस्क्राइब करना है। इसमें सबसे पहले पेज जो है, इस पेज में मैंने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन दिया है। चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज में केमिकल कंपोजिशन है प्रोटीन का, यानी प्रोटीन किस चीज़ के मिलने से बना होता है, उसकी रासायनिक संरचना क्या है, वहीं इसमें इस पेज में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज में हम स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोटीन एमिनो एसिड के मिलने से बने होते हैं जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, इसी के बारे में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस पेज में मतलब चार प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्रोटीन के, तो इसमें है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो में है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो दो प्रकार का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, जिसे हम बीटा प्लीटेड भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें हम तीसरा आएंगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ है, अब शुरू होता है क्लासिफिकेशन, यानी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम दो आधार पर करते हैं। पहला आधार होता है कार्य का यानी फंक्शन का, और दूसरा आधार होता है रासायनिक संरचना का, शेप यानी आकृति का, सोलबिलिटी यानी घुलनशीलता का। तो पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कार्य के आधार पर। इसमें पहला होगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी रचनात्मक प्रोटीन, दूसरा होगा कैरियर प्रोटीन, तीसरा है प्रोटेक्टिव प्रोटीन, चौथा है एंजाइमेटिक प्रोटीन। इस तरह से अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें चार मुख्य का वर्णन हमने किया है। उसके बाद हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन शेप एंड सोलबिलिटी पर। इसमें मुख्य रूप से तीन होते हैं, सिंपल, कंजुगेट और डेराइव्ड। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल। चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज में। सिंपल जो होता है दो प्रकार का होता है, सोलुबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पर। एक जो होता है जो जल में घुलनशील होता है उसे सोल्युबल प्रोटीन कहते हैं, और जो जल में घुलनशील नहीं होता है उसे इनसोल्युबल प्रोटीन कहते हैं। इसके अनेक एग्जाम्पल हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें दूसरा आ जाए कंजुगेट, जिसे कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यह भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लिपोप्रोटीन, दूसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा होता है फॉस्फोप्रोटीन, चौथा है न्यूक्लियोप्रोटीन, पांचवा है क्रोमोप्रोटीन। फिर जो हम दो पहले पढ़े थे, फिर तीसरा आता है ड्राइव प्रोटीन। ड्राइव प्रोटीन का वर्गीकरण नेक्स्ट पेज में है। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यह भी इसे हम दो बार डिवाइड करते हैं, जिसे सब डिवाइड भी बोलते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड और सेकेंडरी डिराइव्ड। प्राइमरी डिराइव्ड में तीन आते हैं, प्रोटीन, मेटा प्रोटीन और कोगुलेटेड प्रोटीन। फिर आता है सब डिवाइड किया है दूसरा, वो आता है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। इसमें भी तीन आते हैं, प्रोटीओजेज, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स। इस प्रकार से प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन समाप्त होता है फुली डिटेल में।